वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ दे अंदर महान शहीदां ने अपनियां महान शहादतां दे के सिख सिद्धांतां दी, सिख परंपरावां दी, सिख मर्यादा दी हमेशा रक्षा कीती है। और जिहड़े शहीद परंपरावां दी राखी करदे, सिद्धांतां दी राखी करदे, मर्यादा दी राखी करदे, जाना तो प्यारे गुरधामां दी राखी करदे शहीदियां प्राप्त कर गए, उन्हां नूं हमेशा कौम अपने दिलां दे विच वसा के रखती है और याद करती रहिंदी है। इसी तरह ही सिख पंथ दे महान योधे जरनैल अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां दी बड़ी वड्डी कुरबानी है, उन्हां दा जन्म 14 माघ यानी ईस्वी सन जिहड़ा 1682 नूं माझे दे अंदर पौवंड दी धरती दे उत्ते होया। 50 साल तो वध समा वो तख्त श्री दमदमा साहब जी दे स्थान दे उत्ते रह के मिसल शहीदां दे ते तख्त श्री दमदमा साहब जी दे जथेदार दी सेवा निभाउंदे रहे। जिथे वो तेग दे धनी सन उत्थे वो महान विद्वान भी सन, योधे सूरबीर जरनैल सन, महान विद्वता दे तारनी सन। तख्त श्री दमदमा साहब जी दे मुकाम ते रह के उन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 4 उतारे जिहड़े आ उह कीते, ते उन्हां 4 उतारिआं नूं सिख पंथ दे महान जिहड़े तख्त है श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब, तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब ते तख्त श्री दमदमा साहिब विखे जिहड़ा सी उह सुशोभित करवाया। इस तों अलावा तख्त श्री दमदमा साहिब दे स्थान दे उत्ते रहिंदे आ उन्हां ने अनेकां गुरबाणी दी गुटके पोथियां आदिक लिख के अपने हत्थां दे नाल प्रचार ते प्रसार दे विच अहम योगदान पाया। उन्हां समयां दे विच अहमद शाह दुरानी दे करिंदियां वल्लों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी भारी बेअदबी जिहड़ी आ उह कीती गई। इस गल की खबर जदों मालवे की धरती के उत्ते तख्त श्री दमदमा साहब जी के मुकाम के उत्ते धन धन बाबा दीप सिंह जी को पता लगी तो उन्होंने अपने नाल दे सूरबीर साथियों वंगारिया तो कहा कि साड़ी जीन का कोई फायदा नहीं है जे साडे जिउंदियां सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की बेहरमती कर जाए, श्री अकाल तख्त साहब जी को कोई निस्तो नबूत कर जाए। हुणे ही बेअदबी का बदला लैण वास्ते श्री अमृतसर साहब नूं कूच करना है। तो साडा इतिहास सानू दसदा है कि उन्होंने खंडे दे नाल लकीर खिंची कि मेरे नाल उही जिहड़ा है वह जत्थे विच शामिल हो के लड़न मरन ते शहीदी देण वास्ते जावे जिन्हों मौत दा भय नहीं है। जे मौत दा भय है, परिवारां च रहना चाहुंदे हो, जमीना जायदादां दे सुख भोगने चाहुंदे हो, तो बेशक जिहड़ा है वह मेरे नाल ना जावो। तो इतिहास इस गल दा गवाह है, एक भी सिंह जिहड़ा सी ऐसा नहीं निकलिया जिसने लकीर बाबा दीप सिंह जी वल्लों वाही होई जिहड़ी है वह ना टप्पी होवे, जिसने शहीदी नूं खिड़े मस्तक जिहड़ा है वह ना कबूलिया होवे। धन धन बाबा दीप सिंह जी मालवे की धरती तो कुछ कु सिंघां दा जत्था लै के श्री अमृतसर साहब जी नूं वल रवाना होए। रास्ते दे विच पिंडां तों कस्बियां तों 2-2, 4-4, 5-5, 10 करके जत्थे विच सिंघ शामिल हुंदे गए और श्री अमृतसर साहब की पावन धरती दे उत्ते पहुँचदिआं पहुँचदिआं बाबा दीप सिंह जी दे नाल 5,000 की गिणती दे विच सिंघ जिहड़े सी उह इकट्ठे हो गए। इन्हां ने प्रण किया कि मेरा सीस जिहड़ा है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की परिक्रमा दे विच तन तन श्री गुरु रामदास पातशाह दे दरबार भेट होएगा। तो इन्हां ने अपने उस वचन नूं सत कर विखाया। वैरियां दे आहू लाउंदे होए सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की बेअदबी का भारी जिहड़ा सी मन दे विच रोह लै के रण तत्ते दे विच उतरे तन तन बाबा दीप सिंह जी आखिर 1757 दे अंदर महान शहीदी प्राप्त कर गए। उन्हां दी शहादत, उन्हां दा महान कुरबानी हमेशा ही सिख पंथ दे अंदर याद रखी जाती है। 14 माघ 27 जनवरी नूं धन धन बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिवस खालसा पंथ मना रहा है। श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते यह पुरब मनाया जाना है जिथे बाबा दीप सिंह जी ने महान शहीदी प्राप्त की। नगर कीर्तन होने ने, श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद दीवान सजने ने, तो इस तरह तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते 27 जनवरी जिथे
पाठ की समाप्ति होनी है उत्थे इलाही बाणी दे कीर्तन दीवान जिहड़े सजा के वह किए जाने ने। मैं धन धन बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन दियां समूह खालसा पंथ नूं वधाइयां दिंदा और नाल ही ये भी अपील करदा कि ये शहीद साडा विरसा है, शहादत साडी विरासत है। अपने विरसे नूं अपनी विरासत नूं कदे ना भुलीए, अपने विरसे ते माण करिए, अपनी विरासत ते माण करिए। और विरासत ते माण, विरसे ते माण तदे रह सकदा है जे असीं अपने शहीदां नूं हमेशा ही जिहड़ा है याद करते रहांगे, याद करिए। धन धन बाबा दीप सिंह जी दे एक बारी फिर जन्मदिन दियां बहुत बहुत सिख संगत नूं, समुचे गुरु खालसा पंथ नूं वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।